नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू PTV। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव के बारे में। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार ने आज गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। गुजरात विधानसभा चुनाव इस बार दो फेज में होगा। 182 सीटों के लिए हो रहे इस चुनाव में 1 दिसंबर को 89 सीटों पर तथा 5 दिसंबर को 93 सीटों पर वोटिंग होगी। नतीजे 8 दिसंबर को यानी हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ ही आएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने गुजरात में मोरबी पुल हादसे पर दुख जाहिर किया। उन्होंने बताया कि इस बार गुजरात में करीब 4.5 लाख से अधिक लोग इस बार पहली बार वोट करेंगे। 2017 के विधानसभा चुनाव से कितना अलग है कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गुजरात में 2017 में विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दो मुख्य पार्टियाँ ही मुकाबले में थी, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी भी लड़ाई में शामिल है। वहीं इस बार पाटीदार आंदोलन की आग भी इस बार शांत थे और पाटीदार आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे रहे हार्दिक पटेल BJP में शामिल हो गए। वहीं पाटीदार आंदोलन के दूसरे सबसे बड़े चेहरे गोपाल इटालिया भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। दोस्तों, इस बार क्या मुकाबला होगा? अगर हम 2017 के चुनाव के नतीजों के बारे में बात करें तो उस समय 2017 में सबसे ज़्यादा सीटें BJP को मिली थी, BJP को पूर्ण बहुमत मिला था। उस टाइम भारतीय जनता पार्टी को 182 में से 99 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस को 182 में से 77 सीटों पर, वहीं 6 सीटों पर अन्य की जीत हुई थी। लेकिन दोस्तों, इस बार सीटों का गणित अलग ही होगा क्योंकि इस बार दो पार्टियां नहीं, तीन पार्टियां मैदान में हैं। अगर हम तीनों पार्टियों के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के बारे में बात करें तो सबसे पहले BJP के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में शायद वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ही हो सकते हैं। वहीं अगर आम आदमी पार्टी के CM उम्मीदवार की हम बात करें तो आम आदमी पार्टी में दो कैंडिडेट यानी गोपाल इटालिया और सुदान गढ़वी, जो एक पुराने पत्रकार रह चुके हैं, दोनों CM रेस में शामिल है। वहीं और कांग्रेस के CM उम्मीदवार की अगर हम बात करें तो कांग्रेस में अभी कोई बड़ा नेता CM उम्मीदवार के रूप में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कांग्रेस कि अभी चुनाव में कोई बड़ी रैलियां भी नहीं दिख रही है। कांग्रेस के बड़े नेता सभी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है। वहीं कुछ पत्रकार बताते हैं कि कांग्रेस की रैलियां नहीं हो रही है, लेकिन कांग्रेस अभी भी ग्राउंड लेवल पर मजबूत है और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती हुई दिख रही है। लेकिन दोस्तों, यह सब तो हमें 8 दिसंबर को आने वाले नतीजों के बाद ही पता चलेगा कि गुजरात में इस बार किसकी सरकार बनती है। क्या BJP वापस सरकार दोहराएगी या फिर कांग्रेस 27 साल के बाद सरकार में आएगी या फिर आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी 2017 के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर जमानत जब्त करवा कर गई थी। लेकिन दोस्तों, इस बार माहौल पूरा अलग है। इस बार अरविंद केजरीवाल की सभाओं में भारी भरकम भीड़ दिखाई दे रही है। वहीं वो अलग अलग मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, गुजरात चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आने वाले हैं, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि गुजरात विधानसभा का चुनाव कौन जीतता है और इस बार गुजरात का मुख्यमंत्री कौन बनता है। दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस बार गुजरात के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा और कौन सी पार्टी अपने कौन से CM उम्मीदवार को